गाड़ी रेंट कर ली है और अभी जा रहे हैं, ये गाड़ी है और इस पे जा रहे हैं सेकी, यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है। जी फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 60 का रोड है और रात के बज गए 8। बड़ा खतरनाक सा रास्ता है यार, शेखी जाते हुए और मतलब गबाला से शेखी जा रहे हैं। आप देखिए ये भी हाइलाइट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग, जहाँ होंगे ठीक होंगे, होप ऑल ओके ऑल गुड। अभी मैं बाकू में रेंटा कार करने लगा हूँ, बिकॉज ये भी मेरा एक वीलॉग होगा कि अगर आप बाकू में फैमिली के साथ आ रहे हैं सो रेंटा कार का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो अभी ये गाड़ी रेंट करने लगा हूँ मैं, शेवरले क्रूज़, और 3 दिनों के लिए मैंने ली है जो कि काफ़ी इकोनॉमिक पड़ी है। सो बाकी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि डिफरेंस बिटवीन बोल्ट या रेंटा कार इफ़ यू आर कमिंग विद फैमिली। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसको ज़रूर देखिएगा और चलते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं पहले बोलता हूँ क्योंकि बाद में कोई सुनता नहीं है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, चैनल को लाइक करो शेयर करो ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। सो ये वाला जो बाकू इन्वेंटर्स वाला व्लॉग है इसके अंदर ये रेंटा कार वाला सीन भी हो रहा है, सो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो। सो गाड़ी लेते हैं और दिखाता हूँ आपको साथ साथ। जी दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, गाड़ी रेंट कर ली है और अभी जा रहे हैं, ये गाड़ी है और इस पे जा रहे हैं सेकी, यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है और शाम को 6:30 तक पहुँचेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर सफ़र शुरू करते हैं। गाड़ी अच्छी दी है उसने 2022। अब मैं फ्यूल डलवा रहा हूँ, देखता हूँ कितने में डलता है और फिर आपको भी बताते हैं कि फ्यूल कैसा रहता है और कितना डिफरेंस आता है फ्यूल में। ऑयल रिच कंट्री है बट पेट्रोल महंगा है, यहाँ पर दुबई से भी आई थिंक थोड़ा महंगा, तो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टुवर्ड्स शेकी और आप देख सकते हैं कि रोड का बड़ा बुरा हाल है एंड हर तरफ धुंध ही धुंध है। मैं यहाँ तक आया ऑलरेडी, कबाला तक तो गया हूँ, सो आगे थोड़ा मैदानी इलाका शुरू हो जाता है, दरख्त आते हैं, फॉरेस्ट है, लेकिन अभी क्योंकि धुंध है, लो विजिबिलिटी है, सो आहिस्ता चलाना ही बेटर है। सो अभी चलते हैं और देखते हैं कैसे रहता है। अभी रास्ते में बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन हो गया, मुझे 3-4 कैमरे पड़ गए, उन्होंने खुद ही डाले हुए थे, लेकिन क्या है कि वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि पूरी स्टोरी क्या है, तो आप लोगों के भी होश जो हैं वो उड़ जाएंगे, आई एम वेरी श्योर। सो ये आप लोगों के लिए बेटर होगा जानना, बहुत ज़रूरी। सो अभी चलते हैं, साथ साथ आप भी चलिए और कैमरे के लिए माजरत, बिकॉज ये मैंने नहीं पकड़ा हुआ इस दफ़ा, तो थोड़ा शेक हो रहा है और वाइब्रेट हो रहा था, उसके लिए अपॉलोजीज पहले से। याद करनी चाहिए।
चले सफर जारी है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में 50-60 मिनट में इंशाल्लाह शेकी पहुंच जाएंगे। जी फ्रेंड्स, ये रहा शेकी पैलेस का रूम, बड़ा मस्त है यार। अगर आप बड़ी फैमिली है सो दो रूम है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, लगता है कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है, दो रूम है। ये देखिए सब कुछ दिया हुआ है, जबरदस्त है। एक ये रूम मास्टर टाइप बना हुआ है, साथ बैठने दोनों कमरों में टीवी और वॉशरूम, कितना फिट आप देखिए फिट है यार, पूरी टॉयलेट्रीज के साथ। इसका व्यू देखिए आप, कितना फिट व्यू है, और सुबह मॉर्निंग में तो और भी मज़े का होगा। वाह, ग्रिल लगी है लेकिन ठंड आ रही है। ओह, पहाड़ है और सामने पूरा सिटी। मैं गाड़ी यहाँ ले आता हूँ, मैंने गाड़ी दूर पार्क कर दी है। बड़ा ज़बरदस्त वाइब, बढ़िया आ रही है। और दो वॉशरूम, क्या बात, सॉरी वॉशरूम एक है, कमरे दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। शेखी में नया दिन शुरू हो गया और अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ। बड़े ज़बरदस्त प्लेस है यार, दिखाता हूँ, चेक कीजिए चेक कीजिए, ज़बरदस्त है यार, बहुत ठंड है। अच्छा, कल रेंट अ कार वाली बड़ी स्टोरी थी, वो मुझे ये गाड़ी दे रहा था, मैं कहा भाई सर्दी है, बर्फ है, इसमें तो फिट ही ना आते, बहुत छोटी है। सही मिल गई यार ये गाड़ी, कंफर्टेबल भी थी और ड्राइव में भी अच्छी थी। ऑफ कोर्स दुबई जैसी इतनी यार मज़े का है यार, कहाँ बोल रहे हैं सो सुबह, कुक्कड़ बोल दे, कुक्कड़ इतनी कहाँ बोल दे पहले। अच्छी जगह है यार, हिल स्टेशन है। चले नाश्ता करते हैं, देखते हैं नाश्ते में क्या क्या है। ये रहा नाश्ता, अब देखिए काफी कुछ है, प्रॉपर नाश्ता है यार यहाँ पे, जबरदस्त काफी कुछ है। ओट्स गर्म है यार, जबरदस्त, मेरे फेवरेट गर्म अंडे इधर भी है। सैलड सुलड बहुत खाते हैं सुबह सुबह। शुक्र है कुछ मफिन्स वगैरह भी हैं और ऑमलेट्स आप बनवा सकते हैं। और प्यारी जगह यार, आप देख सकते हैं सामने सराउंडिंग्स। सो अब नाश्ता करते हैं और शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। अभी निकल रहा हूँ मैं, शेखी पैलेस है और किंग खान पैलेस, एक ये तो शेखी पैलेस है जब मैं रह रहा हूँ, एक खान पैलेस है जो ऊपर है। मैं चलता हूँ वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ कि शेखी में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं और आप कैसे चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इधर, आप लोग एक दिन में भी काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं, छोटा सा शहर है। कल मैं गाड़ी का राउंड लेके आया था काफ़ी, तो मैंने देखा स्वीट्स की दुकानें हैं, तो मतलब कबाला से तो बहुत बड़ा सिटी है, लेकिन इट्सेल्फ शेखी जो है बड़ा है और एंशियंट टाउन है, मतलब आप एंशियंट बोलते हैं ना, मतलब पुराना। सो चलते हैं देखते हैं कैसे रहती हैं जो दो तीन यहाँ की चीज़ें हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास गाड़ी है तो हम जल्दी जल्दी सब कवर कर पाएंगे, और हल्की हल्की बारिश आई थिंक हो रही है। चले चलते हैं। ये रहा खान सराय,
इसकी 10 मन्नत की दो लोगों की टिकट आई है, और अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो फ्री है। और अच्छी जगह है यार, लेकिन कुछ ख़ास अंदर है नहीं, खाली कमरा है, तो मैं तो बोलूँगा स्किपेबल प्लेस है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो टिकट ना ज़ाया करें, मेरे लिए तो ज़ाया ही है। मैं कुछ ट्रस्टिंग, अगर खाली कमरे हैं तो उनको प्रेफर नहीं करता देखना, खाली कमरे हैं और पेंटिंग हुई है, दैट्स इट। बाकी आप जी फ्रेंड्स, ये रहा खान सराय और खान पैलेस टाइप बना हुआ है, और मेरे हिसाब से अंदर बस छोटे 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 कमरे हैं और कुछ पुराना आर्किटेक्चर तो नहीं पड़ा या कुछ बना नहीं हुआ, तो स्किप कर सकते हैं आप अगर करना चाहें आज, क्योंकि मेरे हिसाब से इतने पैसे और अंदर कुछ भी नहीं है यार। आप मतलब 5 मिनट चार्ज करो, आप कुछ तो दो। यहाँ पे ना मुझे सिम लेनी है, अब आप कहोगे यार ये 5 दिन बाद सिम ले रहा है, एक्चुअली मेरी दोनों सिम्स में डेटा था बट काफ़ी जल्दी उड़ गया वो, तो मैं सोच रहा हूँ वेज़, क्योंकि वेज़ जो है ना, वेज़ ऐप, अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो वेज़ ऐप इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसमें आपको पूरा वो कैमरा के बारे में भी बताते हैं कि कैमरा आ रहा है, कैमरा से बचो एंड ऑल। तो ये बक्सल है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं सिम लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? वापसी का रास्ता शुरू हो गया है, अभी शेकी से निकले हैं, शेकी से अब जाएंगे बाकू, और गोप्रो को मैंने इस तरह सेट कर दिया है ताकि आप लोग को रास्ते में विजुअल्स दिखाता रहूं और कैसा रहता है वो भी दिखाता रहूं। इंशाल्लाह ताला हम अपनी परवाज 4 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला 4-4.5 घंटे में हमारी गड्डी पहुंच जाएगी उत्थे बाकू, और आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ, पूरा बोर नहीं करूँगा बट रास्ते में अगर कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो दिखाऊँगा। अब देखिए शेकी, आज सनी डे है शेकी में, तो शेकी का भी एक छोटा सा आपको ट्रिप मिल जाएगा गाड़ी के साथ साथ, तो आपको दिखाता हूँ शेकी इन द रोड। मतलब आपने शेकी पिक्चर्स में देखा होगा, लेकिन ये शेकी आप देख सकते हैं, पूरा एक हिल स्टेशन है, सामने सोविनियर्स की दुकानें हैं, बहुत प्यारी जगह। आप मतलब एक डे तो स्पेंड करो यार, यहाँ पे आ रहे हो तो एक दिन, और इस टाइम देखिए आप बहुत ज़्यादा रश है बिकॉज टूरिस्ट आते हैं मॉर्निंग टाइम्स में, तो इसीलिए सोविनियर्स की शॉप खुली है एंड ऑल। मज़े का है शेकी, शेकी शेकी, इसको आपने मिल्क शेक नहीं समझना, आपने इसको शेकी समझना, मिल्क शेक होगा। और शेकी में अगर आप आ रहे हैं और आपने शेकी हलवा नहीं खाया तो फिर आपने कुछ नहीं खाया। सो अभी हम चल रहे हैं, वो गड्डी वाला पीछे हॉर्न मार रहा है, तो चले दोस्तों आप लोग भी शेकी को 4K में एंजॉय करें। आई थिंक टाइम लेप्स लगा देता हूँ ताकि तेजी होता रहे ये सफ़र, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, कहेंगे भरावा बंद कर, मुंह बंद कर। चलो जी चलने आप। शेकी से बाकू जाने के, क्योंकि बाकू से अच्छा, आप अगर गाड़ी पे आ रहे हैं ना, आपके देखें आगे 90 की स्पीड लिमिट आई है यार, ये ना थोड़े करप्ट है, मतलब आप कह लो कि पुलिस जो है ना, उन्होंने ऐसा कैमरा सिस्टम लगाया हुआ है, कहीं 60 हो जाती है और फौरन 10 मीटर के बाद 90 हो जाती है और थोड़ी देर बाद फिर 60 हो जाती है, तो मतलब इट्स वेरी वियर्ड, यू नो, आप रोक नहीं सकते उन चीज़ों को, मतलब गाड़ी को कैसे रोकोगे, और आगे कैमरे लगाए हुए हैं और आगे जाके पुलिस वाला आपको रोक लेगा और बोलेगा इतने इतने पैसे दे दो। और मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा, कहीं गाड़ी खड़ी करके बताऊंगा आप, और जो कि बड़ा ज़रूरी है आपसे शेयर करना कि भाई रिश्वत यहाँ पे भी चलती है और टका के चलती है, मेरी
मेरी पुरानी स्कैम वीडियो के अंदर मैं ये नहीं डाल पाया था क्योंकि मैंने गाड़ी नहीं ली थी रेंट पे। तो आप देखिए मैं राम राम से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई, कैमरे खाने का कोई शौक नहीं। वैसे कैमरे इतना महंगा नहीं है, यहाँ पे 20 दिरहम का 10 मन्नत, और अगर आप थोड़ा सा और स्पीड में है तो 20 मन्नत, फिर 100 वाला भी है कुछ, तो मतलब ज़रूरत क्या है यार, प्रदेश में हो तो थोड़ा ध्यान से चलाओ। तो बस चल रहे हैं, देखते हैं। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, रास्ते में रुका हूँ यार, बाकू जा रहा हूँ शेखी से, एक दो लोग थे, इंसिडेंट हुए, गाड़ी ध्यान से नहीं चलाते ले, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। और डबल वे है यार, टू वे रोड है, मतलब मोटरवे टाइप M2 टाइप बनी हुई है, अच्छी रोड है। जाते हुए मैं आई थिंक सिटी की तरफ से गया हूँ, वो इतना सही नहीं था, बट ये जो है ये प्रॉपर सिटी रोड है। सो अभी चलते हैं, कुछ खाने पीने को ले लेते हैं और वॉशरूम चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। वहाँ पीछे देख सकते हैं M2 रोड, तो 1.5 घंटा और लगेगा बाकू पहुँचने में। सो दैट्स इट।